करीब 1300 साल पहले आदि शंकराचार्य द्वारा निर्वाणष्टकम लिखा गया था। इसका अर्थ होता है मुक्ति पर 6 छंद। ये रहा उसका पहला छंद और उसका मतलब। मैं मन, बुद्धि, अहंकार या इंद्रियां नहीं हूँ, ना ही मैं कान, जीव, नाक या आंखें हूँ। ना ही मैं अंतरिक्ष, पृथ्वी, अग्नि या वायु हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम। मैं चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। निर्वाणष्टकम का दूसरा छंद, जो मानव अस्तित्व में शरीर से जुड़े समग्र प्राण वायु और अंगों प्रत्यंगों को नकारता है। मैं ना तो जीवन की ये सांसें हूँ और ना ही ये 5 प्राण वायु हूँ। ना ही मैं शरीर के ये 7 तत्व हूँ और ना ही ये 5 आवरण हूँ। ना ही मैं वाणी, हाथ, पैर या उत्सर्जन और प्रजनन की इंद्रियां हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मैं तो चेतना और आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं शिव हूँ। जिन लोगों को भी आत्मा की आवाज सुननी है या उसके स्वरूप को जानना है, वो लोग बस एक बार निर्वाणष्टकम सुन लेना। ये है उसका तीसरा छंद। ना मुझ में द्वेष है, ना मोह है, ना लोभ है और ना ही मद अहंकार की भावना है। मदो नैव नैव मात्सर्य भावः। ना मुझ में अभिमान है, ना ईर्ष्या है और ना ही द्वेष की भावना है। न कर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के इन 4 पुरुषार्थ की सीमाओं से परे हूँ। मैं तो सदैव शुद्ध आनंद, मैं चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। भारत के जिन पवित्र स्थानों और मंदिरों को आप बहुत महत्व देते हो और पुराने पवित्र वेद और ग्रंथों को जो सम्मान देते हो, ये सभी पवित्र चीजें आत्मा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। आत्मा का ये संगीत सुनिए, ये है निर्वाणष्टकम का चौथा छंद, जहाँ आत्मा कह रहा है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम। ना मैं पुण्य से बंधा हूँ और ना ही पाप से, और ना ही सांसारिक खुशियों और ना दुख से। न मंत्रो न तीर्थम न वेदान यज्ञा। ना तो मैं पवित्र भजनों से बंधा हूँ और ना ही पवित्र स्थानों से, और ना ही पवित्र ग्रंथों से और ना ही कोई बलिदानों से। अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता। मैं ना तो कोई आनंद हूँ और ना ही आनंद लेने योग्य वस्तु हूँ, और ना ही मैं आनंद लेने या देने वाला हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम। मैं तो सदैव शुद्ध आनंद, मैं चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आत्मा का ये अमर गीत सुनिए, जिसे आत्मा ने खुद गाया है। निर्वाण षटकम का ये 5वां छंद, जहाँ आत्मा कह रहा है। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद। मैं ना तो मृत्यु और उसके भय से बंधा हूँ, और ना ही जाति के नियमों और उसके भेदों से बंधा हूँ। पिता नैव मे नैव माता न जन्म। ना तो मेरा कोई माता और पिता है और ना ही मेरा कोई जन्म है। न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र, ना कोई आध्यात्मिक गुरु और ना ही कोई शिष्य है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मैं तो सदैव शुद्ध आनंद, मैं चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जब आत्मा खुद अपने स्वरूप का वर्णन करता है, यह है निर्वाण षटकम का छठा और आखिरी छंद। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। मैं बिना किसी परिवर्तन के और बिना किसी रूप के हूँ। विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाः। मैं हर चीज के अंतर्निहित आधार के रूप में और सभी इंद्रियों के पीछे हर जगह मौजूद हूँ। न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मे। ना तो
तो मैं किसी चीज से आसक्त होता हूँ और ना ही किसी चीज से मुक्त होता हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। पहले इस श्लोक को सुनिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हजारों लोग बोले कि इस श्लोक में शिवोहम का मतलब भगवान शिव को दर्शा रहा है, आत्मा को नहीं। मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि शिव और आत्मा दो अलग अलग चीज हैं। शिवोहम के मतलब को पहले समझिए। शिवोहम से पहले के श्लोक हर उस चीज को नकारते हैं जो अस्थायी और अनित्य है। इसमें मन, इंद्रियां, शरीर, भावनाएं और बाहरी दुनिया और भौतिक जगत शामिल है। भगवान शिव परम वास्तविकता, शुद्ध चेतना और आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सीमाओं और द्वंद्वों से परे है। यहाँ पर शिवोहम अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ब्रह्म को दर्शा रहा है। और एक बात, निर्वाण षटकम को आत्मा षटकम भी कहा जाता है। ये आत्मा का वो अमर गीत है जहाँ आत्मा खुद अपने स्वरूप का वर्णन करता है।